गाइस सबसे पहले तो एक काम करो, अगर आप बहुत तगड़ी शॉपिंग करते हो, मतलब बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो और चाहते हो कि कुछ डिस्काउंट मिल जाया करे आपकी हर शॉपिंग पे, कुछ कूपन कोड पता चल जाया करे, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वहां शेयर करता हूं। ऑलरेडी 700+ लोग जुड़ चुके हैं, फ्री है, पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। कभी कभी मैं सोचता हूं जब हम बड़े हो रहे थे, काश काश कि हमें तभी कुछ चीजें बता दी जाती तो शायद हम अपनी इंटीमेट हाइजीन का अच्छे से ख्याल रख पाते। और होता क्या है, जब हम टीनेज में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं और हम अपने दोस्तों से पूछते हैं और हमारे दोस्त भी अपने दोस्तों से पूछते होंगे। और होता क्या है कि किसी को कुछ नहीं पता होता, कोई कुछ पूछ के आया उसमें अपना ज्ञान ऐड करके आपको बता रहा होता है, बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। एक दिन पता सबको सब चीज चल जाती है, लेकिन देर बहुत हो गई होती है। आज की वीडियो में हम उन्हीं में से कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो शायद हमें ओपनली बात करनी चाहिए। तो अब कोई टेंशन नहीं लेनी, जाहिद आ गया, चीजें बता के जाएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस मुखड़े को पहली बार देख रहे हैं, 2, 4, 5, 6 वीडियो देखिए, अगर मैं पसंद आता हूं और आपका मन करता है वो सब्सक्राइब बटन दबाने का, तो मेक श्योर कि आप वो बेल आइकॉन भी दबा रहे हैं, जिससे होता ये कि जब हम फ्यूचर में कुछ वीडियोस डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। और अगर नहीं भी आती ना, तो जाहिद अख्तर सर्च कर लिया करिए, हफ्ते में 2 बार, सिंपल है जी। अभी जो पहली जो सबसे बड़ी समस्या है जो शायद सभी के साथ होती है, बट एक्ने, और इतना ज्यादा इसको टैबू बना रखा है, कोई बात ही नहीं करता आपस में, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, बट एक्ने होना बहुत कॉमन है गाइस। इसको एज अ टैबू मत लो, किसी को कभी भी हो सकता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, स्वेटिंग ऑब्वियसली, आपने टाइट अंडरवेयर पहनी है, बहुत देर तक बैठे रहते हो, कभी अपनी बट को साफ नहीं किया, अपनी अंडरवेयर को महीनों महीनों भर तक बदलते नहीं हो, स्किन एक्सफोलिएट नहीं करते हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट जो मेन और कॉमन रीजन है अमंग टीनेजर्स, अमंग वर्किंग पीपल, आपका ज्यादातर टाइम बैठ के जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही जगह बैठे बैठे पूरा दिन निकल जाता है उनका पढ़ाई में। हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, जो क्रिएट करते हैं कुछ आप लोग के लिए कंटेंट बनाते हैं, हमारे साथ भी होता है, नॉर्मल है यार, 6 घंटे 7 घंटे बैठे हुए लैपटॉप एडिट कर रहे हैं, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। इससे डरना नहीं है, इससे भागना नहीं है, करना क्या है, सबसे पहले कोशिश करिए कि आप ज्यादा देर तक ना बैठें, मतलब बीच बीच में आप उठते रहें। अगर आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश करिए उसके बाद नहाएं जरूर, और जो आप अंडरवेयर पहन रहे हैं वो डेली बेसिस पे चेंज करें। एक चीज जो मुझे लगता है 10 में 1 या 2 लोग कर रहे होते हैं आज के टाइम पे, अपनी बट को हमें एक्सफोलिएट करना है। जैसे हम अपने इस नूरानी चेहरे को अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं, स्क्रब करते हैं ताकि डेड स्किन सेल्स हट जाएं चेहरे से, सेम हमें अपनी बट के साथ करना है। हफ्ते में 1-2 बार कर लीजिएगा, बहुत है। जो आप स्क्रब अपने चेहरे पे यूज़ कर रहे थे, वही वाला आप स्क्रब अपने बट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बॉडी स्क्रब यूज़ करने वालों में से हैं और फिर भी आपने अपनी बट को स्क्रब नहीं किया, भैया बहुत गलत बात है। बट का ख्याल रखिए, उसको स्क्रब करिए। बट पे होता क्या है, बहुत ज़्यादा डेड सेल्स जमा होते हैं, तो जब आप स्क्रब करेंगे सब हट जाएंगे। और एक बात का जिसका आपको ध्यान रखना है, जो भी रफनेस है आपके बट पे, जो भी एक्ने वैक्ने आए हैं या जो ड्राई भी हो गए हैं, उनको पॉप नहीं करना, उनको ऐसे ऐसे करके छील के उखाड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत में आप फंस सकते हैं। और टाइट कपड़े एकदम नहीं पहनने, सांस लेने का मौका दीजिए अपनी बट को। बस ये कुछ चीजें हैं, करिए और बट एक्ने से आप निजात पालेंगे। दूसरी चीज जिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जब आप अपने अंडरवेयर का चयन करें, जब आप अपने अंडरवेयर का सिलेक्शन करें, तो ध्यान दीजिए कि वो कॉटन फैब्रिक का हो, 100% कॉटन, वहां सिल्क पॉलिस्टर नहीं चलाना है आपको, 100% कॉटन। दूसरा जो आपको ध्यान देना है कि टाइट नहीं पहननी हमें, हल्की सी ढीली, ताकि हवा आते जाते रहे, बहुत ज्यादा ढीली नहीं, हल्की सी, हैं जी, बस यही करना है। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देनी है अपने मेंस्केपिंग के दौरान, जो आपके प्यूब हेयर्स हैं उसको हमें गलती से भी रेजर से नहीं हटाना, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है हमें। जो हमारे अखरोट हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं और उनकी जो शेल है वो बहुत नाजुक होती है, तो रेजर चलाएंगे कुछ इधर उधर ना हो जाए। हमें करना क्या है, ट्रिमर का यूज करना है हमेशा। कैसे करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं 1-2 अपने चैनल पे, आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, या चैनल पे थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा मेहनत करिए, सब मिल जाएगा आपको, लेकिन खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना। नेक्स्ट जिस पर हमको ध्यान देना है, अक्सर वहां पर किसी का ध्यान नहीं जाता, हमारा जो नेवल है, हमारी जो बेली बटन है, उसकी सफाई बहुत जरूरी है, और वहां पे डर्ट अच्छा खासा जमा होता है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट ईयर मुझे पता चला था, तब से मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। जो ईयरबड्स आते हैं, जो कॉटन के ईयरबड्स, उसको या तो ऑयल की सहायता से या पानी की सहायता से उसको हल्का सा आपको वेट करना है, और अपने बेली बटन के अंदर हल्के से, ज्यादा कुश्ती नहीं लड़नी, हल्के से सर्कुलर मोशन में आपको उसको
घुमाना है और आप देखेंगे कि आपके बेली बटन के अंदर जो गंदगी है वो वहां पे आ गई होगी। अब इसके बाद दोबारा उसी गंदगी को लेके फिर मत डाल देना, दूसरी तरफ से करना या नया यूज करना ईयरबड, और आप देखेंगे कि आपकी नेवल साफ हो चुकी है। नेक्स्ट जो चीज बताने जा रहा हूं गाइस बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके होंठ गुलाबी नहीं है या आपके होंठ थोड़े ज्यादा काले हो गए हैं या होंठ पे थोड़ी सी गंदगी ज्यादा रहती है, आपको अगर ऐसा लगता है तो आपको जरूरत है अपने लिप्स को स्क्रब करने की। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं गाइस, जब सुबह आप ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद उस ब्रश को लेकर हल्का सा अपने होंठों के ऊपर चला दिया करिए, बस काम खत्म, डेली कर दिया करिए ये चीज बस। बाकी इसके अलावा आपको इन डेप्थ चीजें और जाननी है, हमने अपने चैनल पे पूरी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, थोड़ा चैनल पे देखिएगा, आई बटन पे वैसे मैं लिंक डाल दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप वर्कआउट करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद आपको शावर लेना बहुत जरूरी है। अब ये मत करिएगा कि जिम वाले या स्पोर्ट्स वाले कपड़े उतारे, अंडरवेयर और आपका वेस्ट सेम रहा, आपके अंडरगारमेंट, उसके ऊपर अपने दूसरे कपड़े डाले, निकल के पार्टी करने, दोस्तों से मिलने, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, नहीं, अपने को जो अंडरगारमेंट हैं उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको शावर लेने का मौका ना मिला, उस केस में आपको कोशिश ये करनी है कि आपके कपड़े पूरे चेंज रहने चाहिए। कहने का मतलब ये है, जिन कपड़ों में स्वेट आया था उनको हटाइए, नए दूसरे साफ कपड़े पहनिए, सिंपल है। देखो गाइस, हम लोग बहुत ही लाइटली ले लेते हैं कि हाँ वर्कआउट कर लिया उसके बाद नहीं नहाएंगे तो क्या होगा। देखो यार, अगर आपको डैंड्रफ की समस्या, अगर आपका हेयर लॉस होता है तो ये चीज ना करने से, मतलब वर्कआउट के बाद ना नहाने से, वो चीज ज्यादा बढ़ सकती है। आपका जो इंटीमेट हाइजीन है वो खराब हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, फंगस की दिक्कत हो सकती है, बट एक्ने हो सकता है, बहुत सारी चीजें आपको हो सकती है। तो हमें करना क्या है, आफ्टर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जहां हमें स्वेटिंग हो रही है, हमें शावर लेना है, हमें अपने कपड़े चेंज करने, सिंपल है जी। और इसी के साथ हम अपने आ चुके हैं वीडियो के एंड में, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। करना क्या है आपको, पसंद आती है तो लाइक करना है, दोस्तों शेयर करना है, कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।